नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एसएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये भर्ती किस चीज की है? एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे 56,308 पदों के लिए के अभी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके एसएससी जीडी कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2022 डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप सारी चीज देख सकते हैं। अगर उसमें भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, आपके मन में डाउट रह जाता है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, तो आपकी तुरंत सहायता कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज के बारे में है? एसएससी जीडी रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी यानी जीडी, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, और सचिवालय सुरक्षा बल यानी एसएसएफ और असम राइफल में जनरल ड्यूटी के 56,302 पदों पर ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर 2022 से 19 जनवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम एसएससी कांस्टेबल जीडी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो बीएसएफ के लिए 11,356 पोस्ट है, सीआईएसएफ के लिए 3,492 पोस्ट है, सीआरपीएफ के लिए 26,856 पोस्ट है, आईटीबीपी के लिए 1,583 पोस्ट है, एआर की अगर बात करें तो 5,215 पोस्ट है, एनआईए की अगर बात करें तो 242 पोस्ट है, एसएसबी में 7,275 पोस्ट है, और एसएसएफ की अगर बात करें तो 283 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे 56,302 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 23 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो एसएससी जीडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म वो 10 दिसंबर 2022 को भरने शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आप 19 जनवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर आप अपनी फीस का भुगतान करना चाहते हो, तो आप अपनी फीस का भुगतान 20 जनवरी 2023 तक आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अगर बात करें आपके एग्जाम डेट के बारे में, तो एसएससी जीडी एग्जाम डेट होगी आपकी मार्च 2023 में आपका एग्जाम है वो कनेक्ट किए जाने की बात कही जा रही है, ये आपकी टेंटेटिव डेट है। अब बात करते हैं अप्लीकेशन फीस के बारे में। अप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी मेल की अगर बात करें तो आपकी 100 रुपये फीस है वो रखी गई है। एस सी एस टी ई एस एम यानी एक्स सर्विस मैन और ऑल कैटेगरी वुमेन के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगेगी, उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं एस एस सी जी डी कॉन्स्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला आपका, तो इसमें 4 पार्ट होंगे। पार्ट ए में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के।
पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से संबंधित 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से संबंधित 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, पार्ट डी में हिंदी और इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इस तरह से टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ी एसएससी जेडी के पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय व्यस्तों इस प्रकार की होगी, उम्मीदवार को चार ऑप्शन में से एक से उत्तर चुनना है। पेपर में 100% होंगे, 100 अंकों के होंगे। पेपर की समय अवधि वो 1.5 घंटे या 90 मिनट की होगी। सभी विषयों के प्रश्न पत्र वो मैट्रिक लेवल के आपके पूछे जाएंगे। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा केवल हिंदी और इंग्लिश भाषा में आयोजित की जाएगी। पेपर आपका ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 10वीं के लेवल के आपके क्वेश्चन वो आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी एसएससी जेडी कॉन्स्टेबल सिलेबस के बारे में। तो एसएससी कॉन्स्टेबल जेडी का सिलेबस क्या रहने वाला है? तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा एनालॉजी, सिमिलरिटीज, रेफरेंसेज, सेप्टल विजुअलाइजेशन, सेप्टल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर बात करें जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा इंडिया एंड इट्स नाइबोरिंग कंट्री, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको करंट जीके पे ज्यादा ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंपटीशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, इंटरेस्ट, रेशियल प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंशुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं एसएससी जेडी कॉन्स्टेबल के लिए आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजेस एंड एडियमिनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट वहाँ से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात कर लेते हैं इसमें हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा, तो हिंदी में आ जाएगा वर्तनी की सामान्य श्रुतियाँ, शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों की स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तित करना, मुहावरा एवं उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध रूप, विलोमार्थी एवं समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और रचना एवं रचयिता से संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर के 50 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो इसके 50 प्रैक्टिस सेट का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, हाइट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट और 162.5 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए होनी चाहिए। फीमेल की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम, और 150 सेंटीमीटर वो एसटी कैटेगरी की फीमेल है उनके लिए 150 सेंटीमीटर वो हाइट होनी चाहिए कम से कम। चेस्ट की अगर बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, और आपको कम से कम 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट है वो फुलानी है। वेट की अगर बात करें मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो आपका जो हाइट है और एज है उसी के अकॉर्डिंग आपकी हाइट उसका वेट मापा जाएगा, और जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अंतर्गत आपकी हाइट सॉरी वेट है वो मापा जाएगा। बात कर लेते हैं अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, रेस 5 किलोमीटर की रेस होगी आपकी मेल कैंडिडेट के लिए, 24 मिनट में आपको पास करनी है। फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में आपको 8.5 मिनट में पास करनी है। रेस की अगर बात करें तो 1 माइल की अगर बात करें तो 6.5 मिनट में आपको पूरी करनी है मेल कैंडिडेट को, और 800 मीटर की रेस है वो 4 मिनट में पूरी करनी है लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट है उनको। तो ये हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका पास हो जाएगा उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल की सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो पे लेवल आपका 3 लगेगा इसमें, और 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाने वाली है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एसएससी ने जीडी कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एक बम्पर वैकेंसी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो जरूर अप्लाई करें। साथ में डिस्कस किया कि एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसएससी जीडी का सिलेबस क्या रहेगा, एसएससी जीडी की सैलरी क्या रहेगी,
और भी बहुत सारी बातें आज जो कि आपको SSC GD ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, धन्यवाद।